हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं टिकट टैक। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, जब आईक्यू की न्यू सीरीज लॉन्च होती है तो उसका वेट काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आईक्यू की न्यू सीरीज में आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है, और उस प्राइसिंग में दोस्तों कोई भी फोन उसका टक्कर का होता ही नहीं है। जैसे कि दोस्तों आईक्यू का नया 7 प्रो आपको जो स्पेसिफिकेशन निकाल के देता है, उस प्राइसिंग में दोस्तों आपको कोई भी फोन देखने को नहीं मिलता। जबकि दोस्तों फोन को लॉन्च हुए अभी काफी टाइम हो चुका है, अभी तक दोस्तों कोई भी फोन ऐसा नहीं है जो कि उसके टक्कर में उतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन या फिर उतना तगड़ा प्रोसेसर लेके आ पाए। तो ओवरऑल दोस्तों इसीलिए आईक्यू की न्यू सीरीज की डिमांड काफी ज्यादा होती है, वेटिंग काफी ज्यादा होती है। दोस्तों खासकर गेमर्स आईक्यू की न्यू सीरीज की दोस्तों काफी ज्यादा वेटिंग करते हैं। इसमें दोस्तों एक स्पेशल गेमिंग चिप भी डाली जाती है जो दोस्तों आपको आईक्यू के न्यू सीरीज में देखने को मिलती है। स्पेशल गेमिंग चिप डाली जाती है दोस्तों जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस को काफी बढ़िया कर पाए, और दोस्तों जो उसकी हीटिंग इश्यूज होते हैं उसको भी काफी हद तक बिल्कुल एकदम इंप्रूवमेंट के साथ आईक्यू अपने आईक्यू न्यू सीरीज को लॉन्च करता है। तो ओवरऑल दोस्तों आईक्यू का नियो 9 जो कि दोस्तों लॉन्च होने वाला है इसी मंथ में, यानी कि दोस्तों जनवरी 2024 में, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट वीक फरवरी में भी लॉन्च हो सकता है। आज हम इसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और किस प्राइसिंग में आपको कौन सा वेरिएंट देखने को मिलेगा इस बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिजाइन से, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले फिजिकल कंडीशन ही देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईक्यू नियो 9 जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, बैक साइड में आपको दोस्तों ग्लास की फिनिशिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और अगर आपको वेगन लेदर पसंद है तो आपको वेगन लेदर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में मिनिमल से आपको डिजाइन देखने को मिलता है, दो कैमरे का सेटअप है, उसके बाद दोस्तों आपको फ्लैश देखने को मिल जाते हैं, और फ्रेम दोस्तों आपको काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। इन हैंड आपको थोड़ा सा फोन वाइड फील होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फोन है दोस्तों, गेमिंग के लिए काफी ज्यादा टारगेट करता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, ये एक गेमिंग फोन ज्यादा है तो इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी। गेमर्स को दोस्तों कर्व डिस्प्ले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी, और फ्लैट डिस्प्ले में जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो दोस्तों बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल है। बात करें डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.78 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि एक LTPO AMOLED डिस्प्ले है। दोस्तों इसमें आपको 10 बिट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि काफी तगड़ा डिस्प्ले है। इसमें आपको कलर्स 1 बिलियन के देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि कलर्स एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें आपको 144Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और वाइड वन L1 का सपोर्ट भी आपको काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है। दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में ये फोन आपको काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा, बेजल्स आपको बिल्कुल कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस टाइम जो फोन्स लॉन्च हो रहे हैं बिल्कुल पतले बेजल्स के साथ लॉन्च हो रहे हैं, और ये फोन दोस्तों उसमें एक और तगड़ा फोन है, क्योंकि इसमें बेजल्स आपको बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको पिछले साल का सबसे तगड़ा प्रोसेसर यानी कि दोस्तों स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 17 लाख का आंतरिक स्कोर अचीव कर लेता है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है। दोस्तों ये आपको सैमसंग के फ्लैक्सी फोन में भी पिछले साल देखने को मिला था, उस हिसाब से दोस्तों जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन है या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया आईक्यू के न्यू सीरीज में एक अलग से चिप और डाली जाती है गेमिंग के एक्सपीरियंस के लिए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी एक और गेमिंग चिप जो कि दोस्तों आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पहुंचाने वाली है। और गेमिंग के मामले में दोस्तों जितनी भी सेटिंग्स होती है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी, आप एकदम नेक्स्ट लेवल गेमिंग आप इसमें कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों जो आईक्यू की न्यू सीरीज होती है वो स्पेशल गेमर्स के लिए ज्यादा डिजाइन की जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों प्रोसेसिंग पावर तो आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको LPDDR5X RAM, UFS 4.0 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और ओवरऑल दोस्तों इसमें आपको 12GB RAM एंड 256GB मिनिमम स्टोरेज देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कैमरे की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 50MP का मेन कैमरा जो कि दोस्तों सोनी का सेंसर, और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरे के मामले में दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से काफी तगड़े कैमरे लेके आता है, लेकिन उतने भी नहीं दोस्तों, एवरेज है। प्राइसिंग के हिसाब से आपको कैमरा एवरेज देखने को मिलेगा। बात करें चार्जिंग की, तो इसमें आपको 5160mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और 120W का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसमें आपको सॉफ्टवेयर कौन सा देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आपको ओरिजिन ओएस देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद दोस्तों ये फोन आपको एंड्रॉइड के 14 के साथ देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 13 नहीं दोस्तों, एंड्रॉइड 14 के साथ देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड का आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2-3 ईयर के आपको मेजर अपडेट आराम से देखने को मिल जाएंगे। अपडेट के मामले दोस्तों वैसे भी इन फोनों में कोई शिकायत नहीं होती। बात करें दोस्तों प्राइसिंग की, जो कि दोस्तों अभी ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है, यानी कि आपको जनवरी के लास्ट तक ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से दोस्तों जो चाइना की प्राइसिंग निकल के आई है, अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में, तो ये आपको अराउंड 30,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा। और उस हिसाब से दोस्तों जो इसका स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर है, और ओवरऑल जो आपको इसमें स्पेसिफिकेशन मिलती है वो दोस्तों बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मिलेगी। हो सकता है ये फोन इंपोर्ट ड्यूटी के बाद दोस्तों थोड़े बहुत चार्जेस लगा के 35,000 रुपीज के आसपास में भी आ जाए, फिर भी दोस्तों ये आपको काफी तगड़े पावरफुल प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि अपने प्राइसिंग में दोस्तों बिल्कुल एकदम वैल्यू फॉर मनी होगा।
तो ओवरऑल दोस्तों ये था आईक्यू का नियो 9 जो कि आपको देखने को मिल जाएगा जल्द ही। इसकी वेटिंग दोस्तों अगर आप कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन आने ही वाला है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जो बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।